तो आज जो हम लोग बात करेंगे उसमें बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा टफ तो होता है, लेकिन अगर आप धीरे 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 इसको पढ़ते रहोगे तो समझ में आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर तो कुछ टर्म यूज होंगे जिनका मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है। इसमें जो पहला टर्म होगा जिसका नाम है पी, पी इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, ठीक है। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मतलब होता है कि वो जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं या बैंक से उधार लेते हैं, तो उसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बाद होता है हमारा रेट, आर से होता है रेट। इसके बाद होता है टी। तो टी का जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में इस्तेमाल करते हैं तो टी की जगह एन इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे टी लिखा हो चाहे एन लिखा हो, इन दोनों का मतलब होता है टाइम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा सी आई, ठीक है। सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद अगर हम बात करें कि और कोई टॉपिक आएगा तो आता है अमाउंट, ए ए होता है अमाउंट, ठीक। अमाउंट का जो होता है वो आगे चलकर एक फार्मूला होता है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, मतलब इंटरेस्ट। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो एस आई, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सी आई होगा, ठीक है। तो ये अमाउंट निकालने का हमारा क्या होगा? फार्मूला होगा। तो इतनी चीजें आप पहले थोड़ा थोड़ा जान गए हैं। इसको हिंदी में मूलधन कहते हैं, इसका सिंबल होगा रुपी, ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा? रुपी होगा। इसको दर कहते हैं, इसका सिंबल यानी कि जो एस आई यूनिट होगा, मैंने यहाँ पर सिंबल गलत बोला था, ये यूनिट है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल का यूनिट है रुपी, ये क्या है? इसका यूनिट है। इसी प्रकार से जो रेट है ये परसेंट में होगा। टाइम जो होता है वो ईयर में होता है, अगर मंथ में दिया है तो उसको हम ईयर में कन्वर्ट करके यूज करेंगे। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट ये सभी क्या होगा? रुपी होगा, ठीक है। तो अगर आपने इतना समझ लिया है तो अब मैं सी आई का आपको फार्मूला बताता हूँ। सी आई का फार्मूला क्या होता है? सी आई इज इक्वल टू होता है सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज्ड एन। सी आई का मतलब है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट और एन का मतलब टाइम, ठीक है। इससे पहले आपने जो पढ़ा होगा टॉपिक उसका नाम था एस आई। एस आई का भी फार्मूला आप यहाँ पर जान लीजिए। एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये एस आई का फार्मूला है। और ये नीचे वाला सी आई का फार्मूला है, ठीक है। तो बीच बीच में कभी कभी दोनों का इस्तेमाल होगा तो आपको दोनों याद रखने होंगे। अब इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करें, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसको हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी सिंपल इंटरेस्ट से शुरू होगी। फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इक्वल होगा। माने कि मैं ये कहना चाहता हूं एस आई इज इक्वल टू सी आई फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर कैसे, ठीक है। तो मैं समझाता हूं, इसके लिए कोई एग्जांपल लेना होगा। यहां पर क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड एस आई एंड सी आई। देखो एस आई और सी आई दोनों फाइंड करना है फॉर 1 ईयर, फॉर
फर्स्ट ईयर, अब फर्स्ट ईयर बोलिए या फिर वन ईयर बोलिए, सब बात एक ही है। वेयर पी इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल का मान लीजिए बहुत ही सिंपल ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं, 2000 रुपीज, ठीक है। रेट यहां पर ले लेते हैं 20%, नहीं 10% ले लेते हैं, ठीक है। रेट कितना ले लेते हैं, 10% ले लेते हैं। इसके साथ साथ टाइम ले लिया है हमने, और कुछ लेना नहीं है, ठीक है। तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसमें एस आई फाइंड करेंगे, और फिर बाद में हम सी आई फाइंड करेंगे, और देखेंगे कि एस आई और सी आई पहले साल के लिए बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एस आई फाइंड करते हैं। एस आई मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो सॉल्यूशन फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में एस आई कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एस आई का सिंपल सा फार्मूला होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपने यहां पर प्रिंसिपल लिया हुआ है 2000, रेट आपने लिया हुआ है 10%, और टाइम है आपके पास 1 ईयर, तो 1 के लिए 1 ही पुट करेंगे, अपॉन 100। अब आप जो है यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये फर्स्ट कैंसिल हो गया और ये सेकंड कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर। देखिए नीचे 1 लिखा है, इसका कोई मतलब बचेगा नहीं, 200 बन जा, 200 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया एस आई, 200। यानी कि अगर आप 2000 रुपये पर 10% के हिसाब से किसी भी व्यक्ति से उधार लेते हो या उसको उधार देते हो, तो 1 साल बाद वो आपको 200 रुपये ज़्यादा देगा। एस आई क्या बदलता है, एस आई बताता है कि ये जो प्रिंसिपल है उससे ज़्यादा है ना, तो ये जो है आपको 200 रुपये ज़्यादा देगा, लेकिन देगा कितना। तो पहले तो आपने उसको दिया था 2000, और एक्स्ट्रा कितना उसने लौटाया, 200। तो टोटल वो 1 साल बाद कितना लौटाएगा, 2200 रुपीज, 2200 रुपये वो लौटाएगा। अब ये 2200 रुपये क्या है, ये 2200 रुपये अमाउंट है, ठीक है। यानी कि जो आप लास्ट में रिसीव करते हो या देते हो वो क्या कहलाता है, वो अमाउंट कहलाता है, और जो पहले दिया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। तो एस आई तो आपने 1 साल के लिए कैलकुलेट कर लिया, एस आई कितना है, एस आई जो है आपका 2200 है, ठीक है। एस आई कितना है, 200 है। अब यहां पर हम लोग सी आई की बात करते हैं, सी आई माने की कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई पहले निकालेंगे। सी आई का फार्मूला होता है पी 1 + R/100 रेस टू द पावर एन, ठीक है। तो पी आपके पास कितना है, 2000, आर कितना है आपके पास, 10%, और टाइम के लिए आप कितना पुट करोगे, टाइम के लिए आप पुट करोगे 1, ठीक है। टाइम के लिए आप कितना पुट करोगे, 1 पुट करोगे, सो यहां पर होगा कैसे, देखो 2000 इसका 0 और इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 1/10 बचेगा। 1/10 को जब आप यहां पर सॉल्व करोगे, इसको यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 1 10 + 1 11, 11/10 हो जाएगा, ठीक है, और यहां 1 हो जाएगा। अब पावर 1 का मतलब है कि उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्रैकेट वगैरह हटा देते हैं, यहाँ से देखिए 1 0 यहाँ से,
और एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में इनटू है, तो ये हो जाएगा 11 2 22, और ये दो जीरो लगा देंगे। तो यहाँ से भी आपने देखा कि एक साल के लिए जो सीआई आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये सीआई नहीं, ये ए का फार्मूला है, ठीक है, ये अमाउंट का फार्मूला है, ये यहाँ पर सीआई का नहीं, ए का फार्मूला है, ये अमाउंट है, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये ए है, ए का फार्मूला है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पहले थोड़ा रॉन्ग राइट कर दिया था, ये भी आपका सी आई नहीं है, ये आपका ए है। ये ए है, अमाउंट का फार्मूला है, ठीक है। सी आई कैसे निकालेंगे उसके लिए देखो, यहाँ से अमाउंट से निकलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई, ठीक है। तो सी आई के लिए कितना हो जाएगा, सी आई के लिए यहाँ से हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने कैलकुलेट किया वो अमाउंट है, सी आई नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अमाउंट है। अब देखो सी आई कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो सी आई के लिए करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास, 2200, प्रिंसिपल कितना था 2000, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि एस आई जो होगा और सी आई जो होगा वो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, सेम होगा। देखो तो पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जो एस आई आया था वो 200 आया था, और जो अमाउंट आया था वो 2200 आया था एस आई के केस में। सी आई के केस में क्या हुआ था कि अमाउंट जो आया था वो 2200 आया था, और बाद में हमने सी आई कैलकुलेट किया था और 200 आया था, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके फर्स्ट ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, सी आई का केस या फिर एस आई का केस हो, सेम सेम मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बात करेंगे, और अब हम लोग एस आई फाइंड नहीं करेंगे, केवल और केवल सी आई फाइंड करेंगे, ठीक है, केवल सी आई के क्वेश्चन करेंगे। एक और सिंपल क्वेश्चन करा देते हैं, पहले क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1500 रुपीज एट 25% पर एनम देखिए यहां पर एक वर्ड आता है, ठीक है, पर एनम, एनम का मतलब होता है एक साल, है ना, पर एनम मतलब एक साल, तो पर एनम पर 2 ईयर्स, अब यहां पर 2 साल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब थोड़ा थोड़ा पहचानते हैं कि इसमें पी क्या है, आर क्या है, ठीक है। जब हम ये समझ पाएंगे पी और आर क्या है, तो हम अपनी वैल्यू को सही तरीके से पुट कर पाएंगे। तो यहाँ पर बोला है ऑन 1500, यानी कि ये जो 1500 रुपया है इस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। अब यहाँ पर रेट नहीं बोला है, लेकिन बोला है 25%, परसेंट का सिंबल दिख गया, तो ये क्या है, ये आर है, और ये 2 ईयर्स, ईयर जिसके साथ लगा है ये क्या है, टाइम है एन, ठीक है। तो तीनों वैल्यू आपको पता चल गया। अब यहां पर सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन
वी है, थोड़ा बहुत आप चाहें तो गिवेन वगैरह लिख सकते हैं। टी इज इक्वल टू रुपीज 1500, आर इज इक्वल टू 25% एंड एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स। आप एन की जगह पर टी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये तो आपने मतलब जो वैल्यू गिवन था वो राइट कर लिया। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है, सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट होता है इसमें, ठीक है, फिर बाद में सीआई कैलकुलेट होता है। सो यहाँ पर ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू द पावर एन। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। पी आपके पास है 1500, 1 प्लस आर इज 25 अपॉन 100 और एन इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, 25 का टेबल आपको आता होगा, 25 फोर जा 100, और जब इसको थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, +1 5 1500 इंटू 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ कि ये 5 अपॉन 4 आया कैसे। जैसे अभी मैंने कहा कि ये 1 है, कटने के बाद यहाँ पर 1 अपॉन 4 आ गया, तो चूंकि फ्रैक्शन का रूल होता है, हम इसको ऐसे 1 अपॉन मान करके एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एलसीएम सेम हो जाए, फिर जो है अब नीचे सेम सेम आ जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 4 1 जा 4 +1। तो ये इस प्रकार से 5 अपॉन 4 आया। आपको बस इतना याद रखना होगा, जितना नीचे है उसमें 1 जोड़कर आप ऊपर राइट कर दीजिए, बार बार ये आपको करना नहीं है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 1500, आप देख रहे हो 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16। ओके, तो क्या अभी ये कैंसिल आउट हो सकता है? तो कैंसिल आउट होगा नहीं। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप दूसरे दूसरे तरीके भी लगा सकते हो। 50 तो अब आप यहाँ पर देख लो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा। अगर आप 1500 में 25 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 37,500। ठीक है, अब इसको हमें 16 से डिवाइड भी तो करना होगा, तो यहीं पर कर लेते हैं। तो 16 2 जा 32, रिमेनिंग 5 हो जाएगा, 5 से वापस से राइट कर देंगे। तो 16 3 जा 48, सो 15 माइनस 8 हो जाएगा, तो आपका 7 बचेगा। अगेन आप इस 0 को यहाँ पर राइट कर लोगे, 70 हो जाएगा, 16 4 जा 64, रिमेनिंग कितना होगा, 6। फिर यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा, 48 हो जाएगा, रिमेनिंग होगा 12। अब यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, 120 हो जाएगा। ठीक, अब 120 होने के बाद में आप 16 का टेबल पढ़ोगे, तो 16 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 112, कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आगे जगह है नहीं, तो मैं इधर लिख के सॉल्व कर लेता हूँ, 120, और यहाँ पर जो है 7 टाइम्स ले जाएंगे, 112 हो जाएगा। रिमेनिंग कितना होगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 80 हो जाएगा, 16 5 जा 80। तो फर्दर आंसर कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 2343.75। ठीक है, तो इतना आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसको कट करने और सॉल्व करने के बाद।
तो आपको शुरू शुरू में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से आपको जो भी तरीका पता है उससे मल्टीप्लाई करना है और अपने ही तरीके से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। तो जब आप ढेर सारा क्वेश्चन करोगे तो नए नए तरीके को भी जान जाओगे। तो क्या अभी ये सीआई आया तो आंसर है नहीं, अभी तो ये अमाउंट आया है। क्या आया है? अमाउंट। सीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे। फॉर सी आई, सी आई के लिए डायरेक्ट आपके पास फार्मूला होता है, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना होता है? यहाँ पर जो अमाउंट है आपका वो है 2343.75, और प्रिंसिपल जो आपने लिया था वो 1500 लिया था। तो 1500 माइनस करके आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, 8843.75। कितना आ जाएगा? 843.75। पर मैं आपको माइनस करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आप कैसे करोगे। वहाँ पर, यहाँ पर ऐड कर लोगे 2343.75, यहाँ पर आप ऐड करोगे 1500। अब यहाँ पर देखो डेसिमल के नीचे कुछ नहीं है, तो आप चाहो तो 00 लगा दो, और अगर आप नहीं भी लगाओगे तब भी इस केस में आंसर सही आएगा। वैसे लगा देना चाहिए। 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 0 7, 3 4, 3 माइनस 5 होगा नहीं, जाकर कैरी ले लेगा 13। तो 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 और 1 माइनस 1 0, 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो कितना हो जाएगा? 843.75। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सी आई हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में सी आई भी है, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, तो वो आपसे इनमें से कुछ भी फाइंड करने को कह सकता है, सारी चीज़ें दे देगा। जिसको फाइंड करना होगा वो वैल्यू नहीं देगा, आपको वो फाइंड करना रहेगा। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ें। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो फिर बताइए, आगे बढ़ें। चलिए अब एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तब तक मैं वो क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ और आप लोग ट्राई कीजिए। इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे देते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड सी आई, सी आई स्टैंड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सी आई स्टैंड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4500 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम। आगे लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। इन सब का मतलब मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द अमाउंट एंड सी आई, मतलब आपको ए फाइंड करना है और सी आई फाइंड करना है, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन ₹4500, मतलब पी जो है आपको 4500 दिया हुआ है, 2 ईयर्स मतलब टाइम आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है, 10% रेट आपको क्या दिया हुआ है, 10%। आगे कह रहे हैं कि कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कंपाउंड जो हो रहा है वो साल के हिसाब से हो रहा है, ईयर के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो आप इसे देखते हैं यहाँ पर जो है कौन कौन कैलकुलेट कर पाता है। तो चलो कैलकुलेट करो फटाफट, कुछ मैं बता भी देता हूँ, चलो थोड़ा सहायता कर देता हूँ।
जैसे कि यहाँ पर आपका जो है पी है ₹4,500, टी है आपका 2 ईयर्स, टी नहीं सी आई में एन लिखते हैं, ठीक है, सी आई में एन लिखा जाता है, तो और यहाँ पर आर जो है वो 10% है। फार्मूला भी बता देता हूँ मैं, अगर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है पहले तो उसके लिए फार्मूला होता है पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। फिर आपको जब सी आई कैलकुलेट करना होगा तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे ए माइनस बी, ठीक है, तो कैलकुलेट करके दिखाओ। चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, बताओ फटाक से किसका कितना आंसर आया। चलो अब जिनका जिनका आंसर आ गया है तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से सबसे पहले जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 5,445, ठीक, और यहाँ से जो सी आई आएगा वो आएगा आपका 945 रुपीज़, ठीक है। जिसका जिसका आंसर आ गया वो चेक कर लो, अमाउंट आया है 5,445, सी आई आया है 945, तो जिसका जिसका आंसर आ गया वो मैच करा लो, नहीं तो फिर मैं अभी बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। किसी किसी का तो आंसर 7 करोड़ आया भाई, कैलकुलेट कर रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? जिसका जिसका आंसर आ गया वो आंसर लिख के बता सकता है। चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ना हम यहाँ पर अमाउंट को फाइंड करेंगे, और अमाउंट को फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाओगे आप ए इज इक्वल टू पी यानी कि प्रिंसिपल अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पर एन हो गया। आपको जैसे यहाँ पर ये 2 बार जो फार्मूला लिखा है ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ये फार्मूला आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप एक ही बार लिखे। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 4,500, ठीक, 1 प्लस यहाँ पर आर जो हमें दिया गया है वो 10% दिया गया है और यहाँ पर 100 और यहाँ पर टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है। देखिए आपको पता है 10 वन जा 10 होता है और 10 टेन जा 100 होता है, तो नीचे 10 आया है तो ऊपर 1 ऐड कर देंगे तो 11/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11/10, तो आगे कितना हो जाएगा 4,500 अंडर ब्रैकेट 11/10 होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या करते हैं हम जब इसको काट के सॉल्व करते हैं ना तो नीचे वाले में 1 जोड़ करके ऊपर लिख देते हैं, तो फाइनली आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका 4,500, 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1 और 10 का स्क्वायर होता है 100, जिसको नहीं मालूम है वो 2 बार ऐसे लिख के मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है, ऐसे लिख करके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से भी, अब रिमेनिंग हो गया आपके पास 45 into 121। अब हम इसे बगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 5 4 6 8 14, 1 कैरी और यहाँ 5 हो गया। तो अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट आ गया ₹5,445, ठीक है ना, अमाउंट कितना आ गया 5,445। अब यहाँ से सी आई कैलकुलेट करेंगे, सी आई के लिए फार्मूला होता है सी आई माने कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपके पास कितना है, अमाउंट आपके पास 5,445 है और माइनस कितना करेंगे आप 4,500, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 5 होगा नहीं तो जाके कैरी ले लेगा और 14 हो जाएगा, 14 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 माइनस 4 0, तो सी आई कितना हो जाएगा आपका, सी आई हो जाएगा 945। तो ये अमाउंट हो गया 5,445
और ये सी आई हो गया 945। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आ गया हो तो एक बार ओके लिख कर भेज दो, फिर आगे बढ़ा जाए। देखो इस प्रकार से आपको अमाउंट और सी आई कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन ये सभी जो हैं ये कंपाउंडेड एनुअली हैं। अब आता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है कि जो सी आई है वो आपको आधे आधे साल पर कंपाउंड करके कैलकुलेट करना है, और क्वार्टरली का मतलब होता है कि तीन तीन महीने पर कैलकुलेट करना है। तो अगले टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली सी आई, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। ये जो अभी आप कैलकुलेट कर रहे थे वो कैसा था, वो एनुअली था, मतलब एक साल के हिसाब से था। अब आप जो कैलकुलेट करोगे वो क्या होगा, हाफ ईयरली होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी आई वेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। एक और भी टॉपिक होता है कि सी आई वेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो पहले हम लोग हाफ ईयरली पढ़ लेते हैं, फिर क्वार्टरली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल जो है वो 2000 दिया हुआ है और रेट जो है वो आपको 10% दिया हुआ है। टाइम जो है एन वो आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है, या फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 ईयर्स, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले हमने जो किया था वो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी थी क्योंकि वहाँ पर ईयरली कैलकुलेट करना था। लेकिन जब आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जब आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हो तो जो भी आपको रेट दिया जाएगा, जैसे मान लो रेट दिया गया आर, तो आप यहाँ पर रखोगे R/2। कितना रखोगे, R/2, यानी कि जैसे यहाँ पर 10 दिया गया है तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर आप 5% रखोगे। क्या करोगे, आप रेट को पहले आधा कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। इसके बाद जो टाइम दिया रहता है हाफ ईयरली के केस में, जो टाइम दिया रहता है उसका डबल कर दोगे। जैसे एन दिया है तो आप 2n कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 ईयर दिया हुआ है तो आप 1 ईयर को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स। समझ में आ रहा है आपको, और ये टाइम अलग अलग से रख दोगे, ठीक है। फिर से समझाता हूँ मैं आपको कि करना क्या है हाफ ईयरली में। हाफ ईयरली में आपको क्या करना है, रेट का आधा कर देना है, R/2 कर देना है, टाइम को आपको डबल कर देना है, टाइम को आपको डबल कर देना है, टाइम इज इक्वल टू 2n कर देना है। उसके बाद यहाँ से जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, ये वैल्यू आपको फिर से पुट करना रहेगा उसी फार्मूले में, ठीक है। ये जो वैल्यू है आपने टाइम को डबल करके और रेट को आधा करके निकाला हुआ है, इसको उसमें रख के सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो पहले सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन फॉर सी आई कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग पी लिखेंगे, पी इज इक्वल टू ₹2000। अब यहां पर आर के लिए लिखेंगे रेट बाई टू, है ना। रेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10/2, यानी कि 5%। ये आपको ध्यान रखना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा,
हाफ हो जाएगा। इसके बाद में जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है, तो टाइम इन द सेंस जो है एन हो जाएगा, एन यानी कि 2 इंटू टाइम। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 2 इंटू 1 ईयर, तो ये हो जाएगा 2 ईयर। कितना हो जाएगा, 2 ईयर फाइनली। तो सीधे लिख देते हैं यहाँ पर 2 ईयर। मतलब क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर राइट करेंगे। तो अब हम फार्मूला आराम से पुट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R/100 N। ठीक, पी का वैल्यू है आपके पास 2000, 1 प्लस R जो है आपके पास 5% है, और यहाँ पर अगर n की बात करें तो 2 है। अब सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। देखो 5 को जब हम कट करेंगे ना, तो 5 × 5 होता है, और 5 × 20 = 100 होता है। 5 × 5 = 20 = 100। नीचे 20 है तो 1 और ऐड कर देंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सो फाइनली हो जाएगा 2000 × 21 अपॉन 20 होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441। 21 का जो स्क्वायर होता है उसका आंसर होता है 441, और 20 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 400। जिसको नहीं मालूम है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 441/400। 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 4 और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। 5 का टेबल आता है, आराम से पढ़ सकते हैं। 5 × 5, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 + 22। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो। यहाँ पर बचा हमारे पास 5 × 4 = 4, 1। अब 4 × 4 = 1 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5, 5 × 4 = 20, 2 कैरी, 5 × 4 = 20 + 2 = 22। तो ये आ गया आपका अमाउंट, कितना आ गया, 2205। अब यहाँ से आपको सी आई निकालना होता है, सी आई का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपके पास अभी आया है 2205, प्रिंसिपल आपको पहले से पता है 2000, तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 205 हो जाएगा। सी आई कितना हो जाएगा, 205। ठीक, तो ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था। इसमें जो सी आई निकालना था आपको वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली करके निकालना था। हाफ ईयरली में आपको दो बातें ध्यान रखनी होगी, पहला रेट को हाफ कर देंगे, दूसरा टाइम को डबल कर देंगे। ठीक है, तो जिसको कुछ पूछना है पूछ सकता है, और जिसको समझ में आ गया तो वो राइट कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे इसी पर बेस्ड, और आपको ट्राई करना होगा उस क्वेश्चन को। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज 15,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर
व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आपको ये पढ़ते समय ध्यान देना होगा कि कंपाउंडेड एनुअली बोले हैं या कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली। व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, आप लोगों के पास 3-4 मिनट है। सॉल्व एंड राइट आंसर, ठीक है, देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। हाँ तो अभी कितने कितने लोगों का आंसर आया, कई लोग कह रहे हैं सर स्क्रीन ब्लैक है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ स्क्रीन ब्लैक है कि नहीं है। देखो भाई स्क्रीन वगैरह ब्लैक नहीं है, सब साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। एक बार जो है वो क्या कहते हैं, आपको जो लाइव वाला बटन दिख रहा है उस पर टिक कर लो। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम नज़र डालेंगे यहाँ पर, ये जो 1500 सॉरी 15,000 है, ₹15,000। अब यहाँ पे बोला है कि फाइंड द अमाउंट ऑन ₹15,000, यानी कि आपको 15,000 पर अमाउंट फाइंड करना है। तो 15,000 प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल है। देखो ये 10% लिखा हुआ है, तो जो परसेंट लिखा होता है वो रेट होता है। और यहाँ बोला है 1 ईयर, मतलब टाइम जो है वो 1 ईयर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या बोला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन, अब यहां पर हम गिवन राइट कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो क्वेश्चन का आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें। पी इज इक्वल टू ₹15,000, आर इज इक्वल टू 10%, टाइम यानी कि टाइम, देखो अब यहां पर जो आर है ना 10% है, उसे 10% नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जब हाफ ईयरली बोलता है तो रेट को आधा कर देते हैं, आर बाई टू। 10% दिया है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसलिए यहां पर 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 5, फाइव परसेंट, ठीक है ना। टाइम का क्या करते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं। तो टी इज इक्वल टू हमें 1 दिया है, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। 1 ईयर का डबल कितना होगा, 2 ईयर। तो टाइम यहां पर कितना हो जाएगा, 2 ईयर। अब देखो जब 1 ईयर होता है तो ईयर में एस नहीं लगाते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा होता है तब एस लगा देते हैं, ये ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ईयर्स। तो अब जो हम फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, फार्मूला होगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेस्ट द पावर एन। और अमाउंट इज इक्वल टू, देखिए प्रिंसिपल के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे 15,000, 1 प्लस आर के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे 5, और नीचे 100 एन के प्लेस पर 2 रख देंगे। आपको पता है 5/100 कट के कितना आएगा, टोटल सॉल्व करके आएगा 21/20, कितना आएगा। देखो जब भी आप कुछ चीज़ें आप धीरे धीरे समझने लगो, जैसे यहाँ पर 1 प्लस 5/100 लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि इसकी जगह पर आने वाला जो वैल्यू है वो कितना है, 21/20, कितना, 21/20, ये आप समझ जाइए, ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हैं आप। अब इसको जब आगे करेंगे तो 15,000 × 21 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर, स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 15,000 × 21 का स्क्वायर 441 होगा, 20 का स्क्वायर
400 होगा, कितना होगा 400 होगा। देखो हम यहां पर जो है जीरो कैंसिल कर सकते हैं, एक जीरो और कैंसिल कर सकते हैं, इसके बाद में 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 441 मल्टीप्लाई बाई 15। तो मैं डायरेक्ट टेबल पढ़ूंगा, 15 1 15, 1 कैरी, 15 4 60 +1 61, 6 कैरी, 15 4 60 और +6 66। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, देखो एक जीरो भी यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 66 150, नीचे 4 बचा है। ठीक है, अब हमें 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो चलिए डिवीजन कर लेते हैं 4 से। 66 150 डिवाइड बाई 4। देखिए जब आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो आपको बड़े ही सिंपल तरीके से करना है, एकदम बच्चों वाला मेथड, ठीक है, ताकि आप आसानी से कर ले जाएं, फिर धीरे धीरे जब आपको आता जाएगा तो आप अपना कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 2 रिमेन हो जाएगा, 6 राइट कर लेंगे, 4 6 जा 24, अब यहाँ पर रिमेनिंग कितना होगा 2 1 राइट कर लेंगे, 4 5 जा 20 1 बच जाएगा, 5 राइट कर लेंगे, 4 3 जा 15, सॉरी 4 3 जा 12 होता है, 15 नहीं होता, रिमेनिंग हो जाएगा 3 0 राइट कर लेंगे, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। ठीक, अब यहाँ 2 रिमेन हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और 20 होने के बाद कितनी बार टेबल जाएगा, फोर फाइव जा 20। ठीक है, तो फाइनली 0 हो गया। अब यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 16,537.5, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ऊपर वाला आपका आंसर है, तो ये आंसर अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू 16,537.5। लेकिन आपको अगर सीआई निकालना है तो सीआई निकालने के लिए आप अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, अमाउंट तो आपके पास है 16,537.5 और प्रिंसिपल आपके पास है 15,000, तो 15,000 को 16,000 से माइनस करेंगे तो बच जाएगा 1,537.5। ठीक है, ये आपका सीआई हो जाएगा। इन सभी का यूनिट क्या होगा, इन सभी का यूनिट रुपी होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो आरएस भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर रुपी का सिंबल लगा देता हूँ। ठीक, तो हमें सब कैलकुलेट हो गया। ठीक है, और फाइनल जो सीआई आया वो कितना आया, 1,537, कितना आया 1,537। तो अगर इतना समझ में आ गया हो, मैंने 2 क्वेश्चन कंपाउंडेड हाफ ईयरली के करा दिए हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली। किसका क्वेश्चन करेंगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक, तो चलिए फटाफट कर देते हैं, मुझे लगता है क्लास भी काफी लंबा हो रहा है। आंसर आ गया, अगर एक बार समझ में आ गया हो तो बता दो।
जो थक गया हो वो क्लास छोड़ के जा सकता है, बाद में आकर देख सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंडेड क्वार्टरली। बीच में छोड़ना ठीक नहीं है, ठीक है। तो सी आई वेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए सी आई थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है और लंबा कैलकुलेशन भी होता है इसमें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो आप हाफ ईयरली में आप क्या करते थे, जो रेट दिया था उसका आधा करते थे। कैसे करते थे? हाफ ईयरली का मतलब होता है 1/2, तो यहाँ 2 से डिवाइड करते थे। लेकिन क्वार्टरली मतलब होता है 1/4, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, R/4 करेंगे, यानी जो भी रेट दिया जाएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। और टाइम में क्या करेंगे, टाइम में आप जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रेट क्या हो जाएगा, R/4, जो भी रेट दिया जाएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। टाइम में क्या करेंगे, टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 × t, ठीक है, टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंपाउंडेड एनुअली में क्या करेंगे, रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फिर से समझा देता हूं मैं एक बार। देखिए सी आई फाइंड करना है और कंपाउंडेड क्वार्टरली करना है, तो ऐसे केस में सबसे पहले हम रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रेट दिया होगा उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। और टाइम के लिए क्या करेंगे ना, टाइम के लिए जो टाइम दिया होगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है। तो अभी के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान ही लेते हैं क्योंकि तो वैसे भी आप लोग बोर हो रहे होंगे। तो फाइंड द अमाउंट एंड सी आई ऑन रुपीज 2000 एट 20% फॉर 1 ईयर, ठीक है, फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड। ये जरूर देखना लास्ट में कि कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, हाफ ईयरली लिखा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट एंड सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000 एट 20% फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक, ये मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ, आपको बस समझना है थोड़ा ध्यान से, ठीक है। गिवन क्या है इसमें वो लिख लेते हैं। तो गिवन है आपके पास P इज इक्वल टू रुपीज 2000 R इज इक्वल टू है आपके पास, मैंने बोला था कि रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 20 दिया है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 5 जो 20, तो रेट कितना हो जाएगा 5%। देखिए
देखिए क्वेश्चन में 20 दिया है, लेकिन आप जब क्वार्टरली करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 5% आ जाएगा। टाइम जो है एन एन आपको कितना दिया हुआ है, 1 ईयर, और 1 ईयर को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि तो टाइम में क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 आ जाएगा, 4 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 इंटू रेज टू द पावर एन। तो पी का वैल्यू कितना है, 2000, 1 + R कितना है, 5%, 100, और यहाँ पर 4। आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर ऐसा केस आ जाता है, 1 + 5/100 आ जाता है, तो इसका मतलब होगा 21/20। क्या मतलब होगा, 21/20। ठीक, तो चलिए फिर अब इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पर हमको तो 21^4 नहीं पता है, तो उस केस में हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 21 * 21 * 21 * 21, और यहाँ पर लिखेंगे अपॉन 20 अपॉन 20 अपॉन 20 अपॉन 20, ऐसे 4 बार लिख लेंगे। कैंसिल कर सकते हैं हम इसको कैसे, देखो अगर हम 0 पहले कैंसिल करें, क्या कैंसिल करें, 0, तो इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस 2 से 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, फाइनली बचा कितना, उसको लिख लेते हैं। फाइनली जो बचा हमारे पास, 1 * 21 * 21 * 21 * 21 अपॉन, देखिए अभी 2 2 और 20 बचा हुआ। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे सामने थोड़ा समस्या आए, तो हम सब इसको रफ में सॉल्व करके यहाँ पर सिर्फ आंसर लिख देंगे। क्वार्टरली बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन आ गया तो आपको करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करके यहां पर आंसर लिख लेंगे। देखिए वहां पर क्या था कि 1 * 21 * 21 * 21 * 21 था। अब 1 का तो मतलब आंसर वही आएगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले इन दोनों को पकड़ते हैं, और इन दोनों का कितना हो जाएगा, 21 * 21 441 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है। अब इसमें हम क्यूब कर लेते हैं, बहुत लोगों को क्यूब भी पता होगा, किसका, 21 का। 21 का क्यूब कितना होता है, कोई बताएगा कमेंट में, कोई बताएगा 21 का क्यूब कितना होता है। वैसे तो 21 का क्यूब होता है 9261, लेकिन कोई बात नहीं, आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। 441 * 21 तो हो जाएगा 1 4 4 2 8 8, 1 6 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12, और ये 9 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 9261। ठीक है ना, अब हम जो है फिर से एक 21 बचा हुआ है, तो 1 21 से और इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से क्या करते हैं, हम इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो अगेन 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 6 2 9, 2 से करेंगे 2 12, 2 2 = 4 15, 2 9 = 18, तो 1 6 2 8, 2 2 = 4, 9 5 = 14, 9 1 कितना आ गया, 194 481। ठीक, अब चलो ये तो आया अपने पास, नीचे कितना था, नीचे था आपके पास 2 * 2 * 20, तो अभी कितना हो जाएगा, देखो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 80 हो जाएगा। अब 80 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 8 9 16, 8 3 24 होता है, 2 बार जाएगा,
82 जा 160, रिमेनिंग कितना होगा 4 3 4, 8 4 जा 32 होता है तो 4 बार जाएगा, 4 2, इस बार 8 राइट करेंगे तो 8 3 जा 24 होता है, 240 हो जाएगा, रिमेनिंग होगा 8 0 0 और यहाँ पर 1, अब एक बार जाएगा 80 हो जाएगा, रिमेनिंग होगा 1, डेसिमल लगाएंगे 10 हो जाएगा और फिर 0 बार ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा और फिर से 1 बार ले जाएंगे। आगे देखते हैं, 100 माइनस 80 रिमेनिंग हो गया 20, 0 की वजह से 200, फिर हमारे पास हो जाएगा कितना, तो बस दो डिजिट काफी है, आप आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आ गया 2431.01, कितना आ गया, ठीक है 2431। अब ये मान ले जाकर के लिख देते हैं इसको, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, साइड में रफ कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर कितना आ गया 2431.01, ठीक। यहाँ इतना बना कितना था, तो ये बना था 194481/80, ठीक है। तो ये अभी जो हमारे पास आया है, क्या ये CI है, तो आंसर होगा नो, ये तो आपके पास अमाउंट आया है, क्या आया है अमाउंट, CI अब फाइंड करेंगे, CI इज इक्वल टू ए माइनस पी, CI इज इक्वल टू ए माइनस पी और पुट करेंगे यहाँ पर 2431.01 - 2000, तो आपके पास हो जाएगा रुपीज 431.01। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली का भी क्वेश्चन हमने करा दिया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का भी करा दिया, कंपाउंडेड एनुअली का भी करा दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीखे भी होंगे। आप ये क्वेश्चन तभी कर सकते हैं जब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का एनुअली, देखिए तीन प्रकार से CI होगा आपके पास, CI, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसी प्रकार से होगा कंपाउंडेड एनुअली, सॉरी क्वार्टरली, ठीक, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंपाउंडेड एनुअली का और उसका देखेंगे क्या फार्मूला होता है। CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हेन
कंपाउंडेड एनुअली, ठीक। अब इसमें फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड और होल रेज टू द पावर एन। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर सी आई, सी आई निकालेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, जहाँ पर इसको क्या कहते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले बात होता है प्रिंसिपल, पी आर आई एन सी आई पी ए एल। इसका सिंबल होता है यूनिट का रेट मतलब रुपी। फिर होता है अमाउंट, इसका भी सिंबल सेम होता है। फिर आपका सी आई तो आपको पता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आर क्या होता है, आर को रेट कहते हैं और रेट का सिंबल होता है परसेंट। फिर आपका आता है टाइम, एन जो है वो टाइम है। और क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, ए पी आर एन। अब आगे में हम बात करेंगे सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में हम लोग बात करेंगे सी आई व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्वेश्चन में पढ़ते समय आपको लास्ट पर ध्यान देना होगा कि हाफ ईयरली बोला है या क्वार्टरली बोला है, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में होगा, देखो फार्मूला वही रहेगा। सबसे पहले निकालेंगे रेट, रेट कैसे निकालेंगे, आर बाई फोर टू करके, ठीक है, आर बाई 2% करके। फिर निकालेंगे एन, एन मतलब टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम, जो टाइम दिया होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिख लेते हैं आधा हाफ, और यहाँ लिख लेते हैं डबल, 2 गुना डबल 2 गुना। इसके बाद फार्मूला वही लगा देंगे, ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 एन, और सी आई इज इक्वल टू पी ए माइनस पी, ठीक। जितनी बार लिखेंगे उतना बार आपको याद होगा। अब बात करते हैं सेम थिंग का क्वार्टरली का। सी आई वेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब होता है कि सबसे पहले जो रेट होता है उसको आर बाई फोर कर देंगे, 4 से डिवाइड, और जो एन होता है उसको करेंगे 4 इंटू टाइम। फिर फार्मूला वही लगाएंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ से सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। देखिए अब यहाँ पर कुछ और बातें बताता हूँ, यहाँ ये सब ना करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट एक फार्मूला बना दिया गया है, और यहाँ से डायरेक्ट हम ए फाइंड करेंगे। तो कैसे डायरेक्ट ए अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला है, पी वन प्लस आर का कर देंगे हम आर बाई फोर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 100, और टाइम का यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू एन, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम हाफ ईयरली वाले में भी डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, पर डायरेक्ट फार्मूला यूज करते समय थोड़ा सावधानी रखना। यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर बाई 2 इंटू 100, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एन, ठीक है। तो इसको लगा करके आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका फार्मूला। इतने से जो है आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व तो होगा नहीं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी। पहले जो क्वेश्चन कराया गया है इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।